तो राधे राधे दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन के अंदर। और आज जो मैं आपको जगह दिखाने वाला हूँ ना, वहाँ पे 500 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया जाता है, वो भी मात्र 10 रुपए के अंदर। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो 500 लोगों को खाना किस प्रकार बनाया जाता है। इस मशीन के अंदर प्रॉपर आटा अपना डाल दिया है और अब मशीन अपने आप इसको पूरा गूंद देगी आटे को। तो भैया कितना आटा गूंद देती है एक बार में मशीन? एक बार में ये 20 किलो आटा लगा देती है। तो गाइस, इस मशीन में अंदर जो हमारा आटा मांडा गया है वो इस मशीन के अंदर डाला जाएगा और इससे हमारी देख लो छोटी छोटी लोइयां कट रही हैं ऑटोमेटिकली। प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से यहाँ पे पूरी रोटी बनाई जा रही है। अब इस आटे को सनने के बाद हमारा डाला जाएगा उस मशीन के अंदर। तो गाइस, हमारी इतनी वहाँ पे लोइयां बन रही है, हम आपको दिखाते हैं एक और मशीन जहाँ पे हमारे सारे चावल पकाए जाते हैं और पकाई जाती है सब्जियाँ। ये इसको बेसिकली कहते हैं कुकर बॉयलर। हम जैसे चावल वगैरह उबालते हैं, सब्जी वगैरह उबालते हैं तो पानी में उबाला जाता है, लेकिन यहाँ स्टीम के द्वारा, भाप के द्वारा उबाला जाता है। चावल में पानी थोड़ा सा डाला जाता है जिससे कि चावल उसमें पक जाए, और ये आलू वगैरह हरी सब्जियाँ जितनी है पानी निकल, सारी भाप से होती है। ये आप आए यहाँ पर जगन्नाथ रसोई में, जगन्नाथ परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। तो गाइस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जगन्नाथ महाराज की जय टाइप करना शुरू कर दो, राधे राधे टाइप करना शुरू कर दो। कहे ना कि जगन्नाथ को भात और जगत पसारे हाथ, श्रीधाम वृंदावन में जो आवे तो जगन्नाथ जी की कृपा से कोई बिगर प्रसाद के ना जा पाए। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जब यहाँ पे थाली परोसी जाती है तो वो ये नहीं देखा जाता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, सबको एक बराबर और एक समान खाना दिया जाता है। तो गाइस, जो हमारी लोई बनाई गई थी वो इस मशीन के अंदर अब डाली जाएगी। अब देख सकते हो जैसे कि भैया ऊपर डालेंगे यहाँ पे लोई और ये अंदर जाएगी, ये पूरी अच्छे से बिलेगी और नीचे से यहाँ से अपनी निकल के रोटी पूरी नीचे आ जाएगी। ये देखो आ गई, और ये पूरे इस तवे पे रोटेट होते होते यहाँ पे नीचे इसके गैस लगा हुआ है, सारा काम गैस से हो रहा है और वहाँ पे पूरी रोटेट होकर यहाँ से हमारी रोटी फूली फूली निकल जाएगी नीचे। तो गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने एक रिसर्च में देखा था आज भी 3.5 लाख लोगों की मौत होती है सालाना, वो भी खाली भूख से। तो अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो क्या पता आपका एक शेयर किसी की जान बचा दे, क्योंकि यार इतने सारे ट्रस्ट हमारे देश में चल रहे हैं जो 10 रुपये में खाना खिला रहे हैं, कई फ्री में भी खाना खिला रहे हैं। तो चलिए अपनी प्लेट लगवाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या है आज। तो गाइस, ये है हमारा पूरा प्रसाद। इसके अंदर ये कौन सी सब्जी है? आलू बैंगन जी। और ये दाल है? दाल है। और हमें मिला है रायता और चावल, तो इसको मैं दोबारा ले सकता हूँ अगर भूख लगे तो? है, पेट भर के आराम से खाइए, जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना पेट में ही तो खाना, पेट भर के भरपूर खाइए। क्या बात है दोस्तों, सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि जितना हो सके आप उतना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, मैं कोई नहीं हूँ जो इस प्रसाद को रिव्यू करूँ, ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये है हमारी बैंगन की सब्जी, पास आके देखो कितनी स्वादिष्ट लग रही है यार। तो खाते हैं, चटपटा खाना मस्त है। ये बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्जी है, बढ़िया बना रखी है, बहुत ज़्यादा सिंपल सुपर दाल खा रहा। गाइस, सात्विक खाना है ये, इसके अंदर लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। तो गाइस, अगर टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10:30 बजे ये प्रसाद बटना स्टार्ट होता है और 1:30 बजे तक बटता है, उसके बाद बीच में गैप लेते हैं और सीधा फिर शाम को स्टार्ट करते हैं, और शाम को 6:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक आपको ये प्रसाद यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आपको ये ग्रहण करना है तो आप आ सकते हैं, जगन्नाथ मंदिर के बगल में जगन्नाथ रसोई है। मात्र 10 रुपये में आपको थाली यहाँ पर प्रोवाइड होती है। आजकल रेट जो चल रहे हैं इसके वो 20 रुपये चल रहे हैं, क्योंकि यार गर्मी का मौसम है और ये लोग कूलर भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो 10 रुपये उसके रहते हैं और 10 रुपये हमारे खाने की थाली के रहते हैं। सितंबर 30 के बाद जो थाली दोबारा 10 रुपये की हो जाएगी। मैं अपने प्रसाद को ग्रहण करता हूँ और आप लोग भी जल्दी से राधे राधे कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक शेयर क्या पता किसी की हेल्प कर दे।